अरे भाई चौधरायन, अमा कोई घर में है? फरमाइए फरमाइए। इस कोठे की चौधरायन कहाँ है? ये पोछा जमुना बाई का है और इस नाफिस को जमुना बाई कहते हैं। इसमें हंसने की कौन सी बात है जी? बात ये चौधरायन कि आप कौन से नंबर का हिसाब लगाती हैं, हमें भी बता दीजिए, नाचीज को भी इस चीज की बहुत जरूरत है। जिंदगी छोड़िए, कुछ काम की बातें कीजिए ना। अमा दिल की लगे कोई और करता होगा। और काम की बात यह है चौधरायन कि तुम्हारी मुसीबत हमारे गले आन पड़ी, अगर हमारी सुनो तो डाकू चंदन है ना, उसने हमें धमकी दी है कि तुम्हारे यहाँ कोई लड़की रहती है राधा, अगर हम उसे अपनी बेटी बनाकर नहीं रखेंगे तो हमारा जीना आराम कर देगा, अगर हमारी सुनो तो उसे बुला लो। राधा राधा बेटी इधर आओ, चंदन डाकू ने इन्हें भेजा है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। लेकिन राधा मेरी जिंदगी का सहारा है, आप मेरी गोद क्यों उजाड़ना चाहती हैं? खुदा पर भरोसा रखो, तुम्हारी गोद फिर से आबाद हो जाएगी। चौधरायन तवायफ की गोद कभी नहीं उजड़ती, अलबत्ता एक शरीफ आदमी का घर एक डाकू के हाथों कभी भी उजड़ सकता है, अगर हमारी सुनो तो। इसलिए चौधरायन इस खाकसार को चंदन के हाथों खाक में मिलने से बचा लो। लेकिन हुजूर आप मुसलमान लड़की हिंदू, आप इसे अपने घर में कैसे रखेंगे? बेटी बनाकर रखेंगे अगर हमारी सुनो तो, ये राम राम करेगी हम अल्लाह अल्लाह करेंगे। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है चौधरायन कि तुम मजहब का सवाल कर रही हो, हम तुम्हारे कोठे पर आकर तो सब एक हो जाते हैं, उनका मजहब और धर्म तो तुम्हारी सीढ़ियों के नीचे रह जाता है, बाकी रहा तुम्हारा मतलब वो तो पैसा है, पैसा पैसा बोलो अगर हमारी सुनो तो। पैसा? ये क्या फरमा रहे हैं आप? जिसे आप अपनी बेटी बनाकर ले जाना चाहते हैं उसी की कीमत लगा रहे हैं? चौधरायन कीमत शराफत की नहीं लगती, कीमत तो हम तुम्हारी लगा रहे हैं, हम तो एक शरीफ आदमी की तरह इसे बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, और अगर हम ना ले गए तो डाकू चंदन इसे ले जाएगा, और ये भी याद रखो कि डाकू चंदन इसे एक शरीफ आदमी की तरह नहीं ले जाएगा अगर हमारी सुनो तो। इसलिए पैसे बोलो, पैसे। आप कितना दे सकेंगे? तुम कितना ले सकोगे? अजी मेरी छोड़िए, आप ऐसा कीजिए 2 लाख रुपए दे दीजिए। 2 लाख बस? ये लो चौधरायन 1 लाख, और ये लो पूरे 2 लाख, हमें तुम्हारी आकार पहले ही मालूम थी, तुम इससे ज्यादा नहीं मांगोगे। चलो बेटी उतरो इस नापाक जगह। अरे ये क्या कर रही है? खुदा के अलावा और किसी के सामने सर नहीं झुकाते, फिर मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ। मेरे लिए आप इंसान नहीं भगवान के समान हैं। अब चलो अब। लेकिन हुजूर इतना तो बता दीजिए मेरी बच्ची को कहाँ लिए जा रहे हैं? अपनी कोठी ले जा रहे हैं मलाबार हिल, नवाब सिकंदर मिर्जा की कोठी, जिससे पूछोगी बता देगा। लेकिन कभी पूछना नहीं अगर हमारी सुनो तो। अब चलो आओ बेटी आओ, आज से ये तुम्हारा नया घर है। अरे भाई झुमन मियां। जी सर। हमारी बिटिया को जरा घर का नक्शा दिखा दो। जी आइए जाओ। और सुनो हमारे मेहमानों की खातिर का इंतजाम हो गया? जी खातिर की क्या जरूरत है, मैं तो। अरे बिटिया तुम मेहमान नहीं हो, तुम तो अब इस घर का नूर हो, हमारे मेहमान तो वो बैठे। ये मेहमान? हाँ बेटी ये ऐसे मेहमान हैं, इनकी खातिर में जरा सी भी कमी रह जाए तो अल्लाह कभी माफ नहीं करता, और फिर मैं वैसे नमाज तो कभी पढ़ता ही नहीं, इन्हीं लोगों की 2 वक्त की रोटी को अपनी नमाज समझता हूँ। जाओ तुम घर देखो, मैं अपने मेहमानों को देखता हूँ। जाओ जुम्मनिया ले जाओ। जी आइए। नवाब साहब ये आपकी मुँह बोली बेटी इसी घर में रहेगी? क्यों क्या हर्ज है? फिर आपका ये राज? अल्लाह मालिक है। जाओ तुम इन लोगों के लिए खाना लाओ, जाओ जाओ। कौन? तू फिर आ गया है? तेरे रात मनहूस कदम इस कोठे पर आए और सुबह होते ही कोठा उजाड़ हो गया। क्या मतलब? हाय तू बड़ा भोला बनता है। तेरे बाप चंदन डाकू ने जिस मौलाना को भेजा था राधा को लेकर इस कोठे से कोठी में चला गया। कौन सा मौलाना? ये नवाब सिकंदर मिर्जा, ये मालाबार हिल पर रहता है। नमहराम कहीं थी, मेरे तो हाथ पाल पोस कर काले के काले ही रहे। मेरा तो काम बन गया। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? बदमाश का पीछा कर। वो चंदन का साथी है और मुझे चंदन से बदला लेना है। बदला किस बात का? कि तुम्हारे सपने में मेरे जैसा एक चोर और आवारा कैसे आएगा? ऐसा मत कहो राजू, जब मुझ जैसी कोठी की बाई एक शरीफ घर की बेटी बन सकती है तो क्या तुम नहीं बदल सकते? राजू किसी से लगन हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। राजू जिस चंदन की एक मुलाकात ने मुझे चंदन जैसा पवित्र बना दिया,
क्या उसी चंदन के साथ दिन रात रहकर तुम नहीं बदल सकते? बोलो राजू, बोलो। राधा, मैं कसम खाता हूं इस जिंदगी में अब कभी भी बुरा काम नहीं करूंगा। भांजे, तू यहां क्या कर रहा है? मामा, वो जो आदमी जा रहा, देखा? हाँ देखा है। उस आदमी का मैं पीछा कर रहा हूं। क्यों? वो चंदन डाकू का साथी है। चंदन डाकू का साथी? हाँ, फिर मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। चलो चलो। देवी, मुझे शक्ति दो कि मैं अपना वचन पूरा कर सकूं। आज तक मैं गुनाहों के रास्ते पर चलता रहा, आज तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब पाप के रास्ते पर कभी नहीं चलूंगा। बेटे, अगर तुमने सच्चे दिल से प्रतिज्ञा की है तो देवी तुम्हारी जरूर मदद करेगी। तुम देवी पर भरोसा रखो। और किस पे भरोसा रखूं? इस दुनिया में मेरा है ही कौन? ना माँ है ना बाप। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जाओ बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जा कहाँ रहा? जल्दी चलो मामा, नहीं तो वो बदमाश हाथ से निकल जाएगा। चलो। ए, उसके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? मेरा काम तो यहीं बन गया। क्या है मामा? यारन देखी तूने? हाँ। जानता कौन है? कौन है? ठाकुर धर्म सिंह की बीवी। लेकिन मामा, उसकी बीवी से आपने क्या लेना देना? अरे बुद्धू, जब बीवी मिल गई तो हामिद भी मिल जाएगा। अच्छा हुआ तुम आ गए। बैठो, आज रात को सिर्फ फकीर चंद की कोठी पर चलना है। मैं नहीं जा सकूंगा। क्यों, बुखार चढ़ गया है क्या? जी नहीं, बुखार उतर गया। क्या मतलब? अपने आपका साथ नहीं दे सकता। साथ नहीं दे सकते? जी नहीं। चंदन से हाथ मिलाने के बाद कोई जिंदा हाथ नहीं खींच सकता। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे गोली नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि जिंदगी बचाने वाला जिंदगी ले नहीं सकता। और फिर मैंने तो उसी दिन कहा था, ये जिंदगी तो आपकी है। जीते रहो बरसुल्तान। इसीलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। तुमने जो कसम खाई है वो सच है या झूठ? राधा के सामने। राधा? मगर आपको ये सब कैसे मालूम है? बरखुरदार, अभी तुमने चंदन का एक ही रूप देखा है। चंदन के तो बहुत से रूप हैं। अगर हमारी सुनो तो। ओ, मतलब नवाब सिकंदर मिर्जा भी आप ही हैं? हाँ बरखुरदार, इसलिए अगर जिंदगी में कभी कोई तकलीफ आए तो चंदन के पास मत आना, सीधे नवाब सिकंदर मिर्जा की कोठी चले जाना। भवानी तुझे सफल करे। हे जननी, हे जगत माता, तू सारे संसार के कष्ट निवारण करती है। माँ मेरी भी सुन ले, आज 15 साल से धर्म सिंह के बेटे सूरज को अपने सीने से लगाए बैठा हूँ, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हे माँ, अब तो उसके माँ बाप को मिला दे ताकि मैं उनकी अमानत उनके हवाले करके हरिद्वार को चला जाऊं। माँ। भैया, आप कौन? देवी तुम कौन हो? मुझे पहचाना नहीं। नहीं देवी, मैं वही अभागन पार्वती हूँ जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो।
कौन? बहन पार्वती, धन्नो माँ धन्नो, मैंने अभी प्रार्थना की, अभी तूने स्वीकार कर ली। बच्चा कहाँ है? सबर से काम लो बहन, सबर से काम लो, अभी तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। सूरज बेटे, सूरज। मेरे बच्चे, सूरज, मेरे बच्चे, मेरे लाडले, माता ने मेरी सुन ली। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। धन हो माँ धन, कहाँ छुड़ाया था और कहाँ मिलाया था?